पूज्यपाद पंडित श्री गणेश्वर प्रसाद शास्त्री जी, जिन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन का पंचांग से शोधन किया था, ऐसे आज विद्वान महापुरुष हमारी व्यासपीठ के बगल में विराजमान हैं। नाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम जन्म मोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देव महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य महाराज जी और सब श्रद्धालु लोग, भगवान की कृपा से इस पवित्र नगरी नागपुर में 7 दिन से आप लोग रामकथा का श्रवण महाराज जी के मुख से सुन रहे हैं। रामकथा का वर्णन सभी संत महात्मा और भक्तों ने किया है। लीला सगुन जो करई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, ईसा गोस्वामी जी तुलसीदास कहते हैं। सगुण रूप में जो भगवान का चरित्र है उसका वर्णन करने से अपना मन निर्मल होता है। मन को निर्मल करना इसी के लिए सारे साधन हैं। मन निर्मल यदि हो जाता है तो वहाँ परमात्मा स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र हैं, उनका प्राकट्य होने के लिए शुद्ध मन चाहिए। शुद्ध घर यदि हो तो वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। शुद्ध माता पिता हों तो उनके यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। यही शुद्धता जो है वो हमें धर्मशास्त्र बताता है और वेद बताते हैं, संतवांग में और पुराणों में बताया है। तो राम नाम का जो महिमा गोसाई जी ने वर्णन किया है और अन्य लोगों ने भी किया है, तो हम लोग अभी बहुत दूर हैं। भक्ति एक महल है, उस महल के नीचे के सीढ़ी पर ही हैं, इसलिए उसका महत्व उतना समझ नहीं पाते। भगवान की सेवा में या भगवान की सेवा में जब व्यसन हो जाता है, यानी आसक्ति ऐसी हो गई कि भगवान की सेवा किए बिना या भगवान की कथा सुने बिना चैन नहीं पड़ती, तो उस समय उद्धार जीव का हो जाता है। उसके लिए संत महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की है। भागवत में गर्भस्थित श्री कृष्ण की जो ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति की है, उसमें एक श्लोक आता है, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरंजुमन भवार्णवं भीममदभ्र सौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। इस श्लोक में बताया कि संत महात्मा लोग पहले इस दुस्तर संसार रूप समुद्र से दूसरी ओर चले गए, यानी इसको पार करके चले गए। अब निस्साधन जो लोग हैं वो लोग कैसे जाएं, इसके लिए उन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नौका यानी नाव को रख दिया। उस नौका का आश्रयण करते हैं तो साधारण जीव भी संसार सागर को पार कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तुमने कहा है सदनुग्रहो भवान। सदनुग्रह का मतलब यह है कि ये संत महात्माओं पर भगवान की अनुकंपा है। संत महात्माओं की बात को वे कभी भी विफल होने नहीं देते परमात्मा, इसलिए उन संत महात्माओं के वचन पर विश्वास रख करके यदि भगवान के चरण कमल को पकड़ा जाए तो संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही संदेश वेद स्तुति जो भागवत में आती है 10वें स्कंद में, उसमें वेदों ने भी यही बात बतलाई है और पुराण और हमारे संत वांग में भी वही बताते हैं। यह संदेश जो वेदों का संदेश है उसे जन जन तक संत महात्माओं ने पहुँचाया है, ये उनका
बहुत बड़ा उपकार है। जब हमारी हमें सत्संगति होती है तो हम अच्छे मार्ग में चलते हैं, और दुष्टों की संगति होती है तो गलत रास्ते पर चलते हैं। तो सत्संगति यदि हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। सत्संगति का महत्व बतलाते समय काय काय सोई सब सिद्धि साधन फूला, सब कार्य को सिद्ध करने वाली हैं। स्वयं भगवान शंकर जी राम भक्ति के लिए हनुमान जी के रूप में आए हैं, और उन्होंने सब कुछ त्याग करके लंबी उम्र में क्या किया, तो केवल भगवान की कथा का श्रवण, भगवान नाम का संकीर्तन। ऐसी मान्यता है जहाँ भी राम कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप से वहाँ आकर के बैठते हैं। तो हम लोगों की ये बहुत शुद्ध परंपरा है कि भगवत सेवा, भगवत कथा श्रवण, उसको बराबर चालू रखना चाहिए। आज का जो जमाना है वो ऐसा हो गया है कि नए नए साधन ऐसे आ गए हैं तो उनसे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, और बूढ़े लोग भी मरने के कगार पर पहुंचने पर भी जो जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म उन्हें प्राप्त हुआ है उससे विरत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में राम कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा और हमारे यहाँ अन्य पवित्र ग्रंथ है उनकी जो कथा है संत महात्माओं के द्वारा होती है उसका बहुत महिमा है। ये ब्रह्मादिक जो देवता हैं, ये जिन जिन चीज़ों को उन्होंने स्वीकार है वो बहुत महत्व की चीज़ है। जैसे भगवान शंकर ने बेलो पत्र को स्वीकारा है, विष्णु भगवान ने तुलसी को स्वीकारा है, गणेश भगवान ने दूर्वा को स्वीकारा है। तो इसका हम जब आयुर्वेद आदि ग्रंथ में विचार करते हैं तो उसका खूब महत्व बताया है। तो उसी हिसाब से राम जी शिव जी के भक्ति का प्रचार करते हैं, शिव जी राम जी के भक्ति का प्रचार करते हैं। शिवस्य हृदयम् विष्णुः, विष्णोश्च हृदयम् शिवः, ऐसा कहें। ये देखने में दो हैं, वस्तुतः एक ही भगवान, भगवान और भक्त के रूप में आते हैं। ये जो हमें संसार दिखता है इसमें दिखने का जो भाग है वो ब्रह्म का है, इसका जो सत्यता है वो परमात्मा का अंश है, और इसमें जो सुख है वह भी परमात्मा का अंश है। वेदांत ग्रंथों में सत माने सत्य, चित माने ज्ञान, और आनंद माने सुख, इसको परमात्मा का रूप माना है। और संसार का स्वरूप क्या है, तो एक कुछ किसी का एक नाम रहता है और एक आकृति रहती है। लेकिन आकृति तो आ गई, लेकिन वह आकृति दिखेगी कैसे, आकृति की सत्ता कैसे बनेगी, वो आकृति जो बनी वो सुखमय कैसे होगी, तो वहाँ तो परमात्मा के ही शरण जाना पड़ता है। आप ये मान के चलो कि दुनिया में कभी सुख मिला तो वो परमात्मा का ही अंश है। ये तो शिवानंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवंते, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि हमें यहाँ भी जो सुख का सुख अनुभव होता है वो परमात्मा के सुख के लेश का ही अनुभव होता है। परमात्मा असीमित हैं, अनंत हैं, अत्यंत दयालु हैं, और भक्तों के उद्धार के लिए वो सब कुछ करने तैयार हैं। ऐसा निश्चित रूप से जीव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है, इसलिए परमात्मा को धरना चाहिए। परमात्मा तक पहुंचाने वाले हमें गुरुदेव हैं, इसलिए गुरु भक्ति की खूब महत्व है, और गुरु तक पहुंचाने वाले संत महात्मा हैं। इसलिए सदा सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे ग्रंथों का अभ्यास, अच्छे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, और सत्संगति में रहकर गुरु की सेवा और परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। गुरु का जब विचार होता है तो पहली गुरु प्रत्येक की माँ होती है, इसलिए वेदों उसके बाद पिता होते हैं, फिर हम जिनसे दीक्षा लेते हैं वे गुरुदेव होते हैं, और बाहर से भी महात्मा आते हैं। इसलिए वेदों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कहा।
इन सबको देवता के रूप में माने परमात्मा के रूप में मानना चाहिए। तो हम लोगों की भारतीयों की जो परंपरा है वो अनादिकाल से आ रही है, उनका मूल वेद है, वेद के बाद पुराण आते हैं, पुराण के बाद पुराण रामायण महाभारत आदि, और उसके बाद संतवांग में आते हैं। संतों ने जन जन तक ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति का संदेश दिया है, उसी में हम लोगों को रहना चाहिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम एक सिद्ध स्थल है, वहाँ पूर्व के जो महात्मा लोग हो गए उनकी तपस्या इतनी बलवती है कि आज ये आपके सामने एक साधारण बालक भी लोगों की समस्या को हटाते हैं और उन्हें भगवान की भक्ति की ओर और माता पिता की सेवा गुरुदेव की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। हम तो इतना ही भगवान विश्वनाथ जी से हमारे आराध्य देवता से प्रार्थना करेंगे कि ये जो बालक हैं ये और बढ़ें फूलें फलें और इनके द्वारा जो जगत में आज अनेक समस्याओं के कारण लोग अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों का स्वीकार कर रहे हैं, जिनको जिन्हें भागवत में धर्म का आभास कहा है, उससे बचें और विकृत मानसिकता से लोग बचें और हम अपनी जो परंपरा है अनादिकाल से जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास आदि ने रामचरितमानस आदि ग्रंथ में किया है उधर लोग झुकें, उसी में कल्याण है, बाकी सब जो कुछ है झूठा है। वो अंत में कुछ हमें हमारी सदगति में काम आने वाला नहीं है। सदगति के लिए जो चलना है तो हमारे वेद शास्त्र पुराण और संत वाङ्मय जो हैं इन्हीं के अनुसार इसकी जो गुरु परंपरा अनादिकाल से आ रही है उसी हिसाब से जाना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, सीता कांत स्मरण जय जय राम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।